साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे, देख रहे हैं सामने यूका। यूका एक जीनस है, तो ये यूका प्लांट जो है इसकी बात करेंगे। ये दो प्लांट आप देख रहे हैं, दोनों में यूका लिखा है, तो क्या अंतर है दोनों में, इसको ज़रा सा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इसमें एक अंतर है, ऐसा क्यों है, सेम होने के बावजूद भी इतना अंतर क्यों है, तो ये बताने के मैं कोशिश करूँगा कि यूका एक जीनस है जिसमें 40 से अधिक प्रजातियां हैं, और ये अपने सर्प से लेके और बड़े ट्री तक इसके अंतर्गत आते हैं। ये झाड़ी नुमा पौधों से लेके और हमारे पेड़ तक इसके यूका के अंतर्गत आते हैं। और ये यूका जो है, ये फैमिली एगेवेसी, जो अगावे की हमारी फैमिली है, उसी की सब फैमिली है। ये फैमिली अगावेसी का ये परिवार से है। ये हम इनको जो छोटे होते हैं ड्वार्फ होते हैं, उनको हाउस प्लांट के रूप में भी रखते हैं। कंटेनर के अंदर ये चल जाते हैं आराम से। जो बड़े होते हैं उनको जमीन के अंदर लगाने पर तो इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, तो आराम से चल जाते हैं। इनका एक्चुअली ये पौधा विदेशी पौधा है, ये मेक्सिको का पौधा है। अमेरिका और नेटिव प्लेस इसका अमेरिका और मेक्सिको है। और मैंने बताया जैसे वो अगावे की मैंने एक वीडियो डाली थी, अगावे के परिवार से ही ये है। इसकी बस क्लासिफिकेशन में अब से फैमिली इसकी एगोविडी अलग से एक फैमिली कर दी गई है, एगावोडी, तो उसी फैमिली से ये यूका है। और जो बड़े होते हैं वो तो साल में 2 फीट के करीब बढ़ जाते हैं, लेकिन जो ये छोटे वाले हैं ये 5 इंच तक ये भी बढ़ जाते हैं। और इसमें ध्यान ये रखना है कि ये भी ह्यूमंस के लिए, जहाँ तक टॉक्सिसिटी की बात है, तो ह्यूमंस के लिए माइल्डली टॉक्सिक है, लेकिन पेट्स वगैरह कैट्स वगैरह को इससे थोड़ा सा दूर रखने की ज़रूरत है। और धूप इसको पसंद है। जैसे आज हमने इसको, इन दोनों पौधों को धूप लगाने के लिए धूप में रखा हुआ है, जो हमारा आप देख रहे हो कुछ रेड कलर की लीव्स है। इसकी शेप एक्चुअली यही है, और उसकी शेप देखिए, वो ऊपर को खड़ी हो गई पत्तियाँ और हरी हो गई एकदम, एक्चुअली यही कलर इसका है। ये हमारा आउटडोर में रखा हुआ, हमारे टेरेस गार्डन में रखा है। इसको ब्राइट सनलाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है, और हम इसको धूप में भी रखते हैं। जैसे आज रखा हुआ है, वो इंडोर में रखा हुआ था, वो 100% ये मान लीजिए, तो ये तो पार्शियल शेड में था, वो 100% शेड में था, ये 50-50% शेड में था, पार्शियल शेड में था, और इसको धूप वहाँ पे भी लगती थी। तो इसलिए क्योंकि इंडोर में था ये पौधा, तो देखिए ये पूरा ग्रीन हो गया। तो आपको लग रहा होगा नहीं, ये तो ये पौधा अच्छा हो गया, ग्रीन हो गया, और ये रेड है, नहीं, इसका एक्चुअल जो वास्तविक स्थिति है यूका की यही है। इस कलर की ही लीफ इसकी होनी चाहिए, यही शेप इसका होना चाहिए। अब ये छोटा पौधा है, जब ये बढ़ेगा तो साइड से इसके पप्स निकलेंगे, बेबी प्लांट्स निकलेंगे, उनसे हम इनका प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो होता क्या है, इसके अंदर 4 पिगमेंट होते हैं। एक तो क्लोरोफिल, जैसे सभी पौधों में होता है, जनरली सभी पौधों में ये चारों ही होते हैं, लेकिन इसका जो क्लोरोफिल है वो पिगमेंट अंधेरे में, डार्क में अगर रखा है तो अपने को बचाने के लिए, अपने को जिंदा रखने के लिए, वो पत्तियों में वो क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट जो है वो सभी एकदम ऊपर आ जाते हैं। और जो हमारा ये जो पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन जो रेड कलर के लिए जिम्मेदार है, वो छुप जाता है। वो ये हमारा जो सनफ्लेक्स होते हैं, जो सूरज से तेज हाई इंटेंसिटी के सनफ्लेक्स होते हैं, उसको बचाने के लिए ये एंथोसाइनिन इसके अंदर होता है। इसका फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल के साथ साथ इसका एंथोसाइनिन का भी पूरा रोल है। तो अगर उससे एंथोसाइनिन गायब हो गया, क्लोरोफिल आ गया ऊपर, वो केवल उसको बचाने के लिए, तो मेन यही है। इसके अलावा अगर पीला पड़ जाए,
एकदम येलो हो जाए तो समझ लो जेंथोफिल जो उसका पिगमेंट है वो डोमिनेंट कर रहा है। और इसके अलावा कैरोटीनोइड होते हैं इसमें जो ऑरेंज कलर के लिए होते हैं। तो इसमें कलर जो ये एंथोसाइनिन के कारण है ये युक्का में जो हमारा देख रहा है, और ये एक्चुअल में स्वस्थ पौधा है और वो उसको हम कह सकते हैं वो अस्वस्थ पौधा है, उस तरह का कलर इनका नहीं होना चाहिए। तो आज हमने इसकी पत्तियों की सफाई के लिए इसमें जो हमारा मंथली युक्का को फर्टिलाइजर देना चाहिए वर्मी कंपोस्ट वगैरह, तो वर्मी कंपोस्ट से इसको मिल जाता है, या अगर हो तो 4-5 दाने वर्मी कंपोस्ट के अंदर ही DAP के मिला के अगर डाल दें तो इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। तो आप साल में 2 बार वर्मी कंपोस्ट तो मंथली दे सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट को भिगो कर लिक्विड, वो भी हमें पुरानी पत्तियों पर नीचे ही देना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं रहती है खाद की। पानी का ज़रूर इसकी जो है ना वेल ड्रेन सॉइल इसको चाहिए, और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर रिच सॉइल नहीं चाहिए। हाँ, इसमें हम जो क्या कहने हमें परलाइट जो, क्योंकि परलाइट जो है हमारा सॉइल को अच्छा बनाता है, वेल ड्रेन बनाता है, तो परलाइट आप इसमें मिला लीजिए और गार्डन सॉइल इस्तेमाल करिए, थोड़ा सैंड मिला सकते हैं, हैं तो ये मिला के हम इसमें इसकी सॉइल तैयार करिए। इसके पॉट्स में नीचे छेद होना चाहिए जिससे ऊपर की तरफ से पानी डालें तो नीचे से निकल जाए। इसकी मिट्टी नम होनी चाहिए, गीली मत करिए, नम मिट्टी में ये अच्छा चलता है। तो इसको 1 सप्ताह में हल्का पानी इसको लगा देंगे, इसकी मिट्टी नम करेंगे, और गर्मियों में तो प्रतिदिन भी इसमें हल्का पानी हम नीचे की तरफ दे सकते हैं इसकी मिट्टी को देखने के बाद। तो ये कुछ चीज़ें थी इससे, इसको सन पार्शियल सन चाहिए, सैंडी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। तो जैसे क्योंकि जैसे डेजर्ट की होती ना, डेजर्ट्स जैसे हम सकुलेंट्स की अपने कैक्टस की सॉइल बनाते हैं, डेजर्ट में जो सैंडी लाइक सॉइल होती ना ड्राई टाइप की, pH इसका न्यूट्रल अच्छा रहता है, नहीं तो एसिडिक अच्छा रहता है। ये समर में ब्लूम करता है, फ्लावरिंग जो इसकी होती है समर में होती है, क्योंकि अभी ये छोटा पौधा है तो जब बड़ा पौधा हो जाएगा तो इसमें इसका स्टेम भी दिखाई देगा, स्टेम से इसकी कटिंग कर सकते हैं, स्टेम कटिंग कर सकते हैं, नीचे इसमें बेबी जो पप्स हैं वो भी दिखाई देने लगते हैं, तो उसको भी हम काट के लगा सकते हैं। तो इसका जैसे मैंने बताया इसको इंडोर में धूप लगानी पड़ेगी आपको, इंडोर में अगर रखना है तो, और पानी को ओवर वाटरिंग इसकी बचानी है, अंडर वाटरिंग भी हमें सेव करना है कि अंडर वाटरिंग ना हो, ओवर वाटरिंग भी ना हो। तो ये कुछ चीज़ें इसके संबंधित है। ये बड़ा काम का पौधा है वैसे, ये हाई ब्लड प्रेशर को रिलीज करने के काम आता है, आयुर्वेद में बहुत योगदान इसका दवाइयों में है। ये ब्लड क्लॉट्स जो बन जाते हैं ना उसको उसमें भी हेल्प करता है। तो इसके अलावा साबुन शैम्पू टूथपेस्ट बनाने में काम आता है ये। तो ये कुछ इस चीज़ के साथ संबंधित, युक्का से संबंधित मैंने चीज़ें बताई कि इसको 2-3 घंटे धूप ज़रूर दिखाइए अगर इससे अच्छे पौधे को इसको चलाना है। और मैंने बताया कि छाया में ज़्यादा रखेंगे तो पत्ते ग्रीन हो जाएंगे, और ये जो पत्तियों का देख रहे हो कितना अच्छा है, एक रोसेट बनाता है। जो इसके सेब ही ये है उसमें, बल्कि ये थोड़ा सा सेब उसका ग्रीन लीव्स होकर एकदम खड़ा खड़ा सा बिखरा बिखरा सा हो गया, इसका देखिए सुंदर सा सेब एक ये बना रहा है। तो रोसेट सेब से ये बताता है, जैसे बताया कि पार्शियल फुल सन ब्राइट लाइट इसको चाहिए, और गर्मियों में डेली हम पानी की देख के मिट्टी को देख के नर्म होनी चाहिए मिट्टी, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। इसकी पत्तियाँ कभी कभी आपको लगेंगे ब्राउन सी हो रही है तो ओवर वाटरिंग के कारण होंगी, और अंडर वाटरिंग भी अवॉइड करना है हमें। वैसे तो ये आउटडोर प्लांट है, इंडोर में अगर रखना है तो वही इसको धूप लगाने के लिए हमें बाहर निकालना पड़ेगा। लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर इससे हम बेबी प्लांट से इसके वो करते हैं ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, बेबी प्लांट से पौधे मल्टीप्लीकेशन इनका करते हैं, तो हमें वही मैंने बताया ना कि इसको वेल ड्रेन सॉइल में थोड़ा सा ग्रीटी टाइप, जैसे कि हम सकुलेंट प्लांट्स के लिए लगते हैं, उस मिट्टी में इनके पप्स को
निकाल के और लगा देंगे, 1 महीने में जड़ निकल आती हैं, तो आपका ये प्रोपेगेशन इसका स्टेम से भी हो जाता है और बेबी पप से भी हो जाता है इसका प्रोपेगेशन। एक बार इसको हमें अच्छी तरह पानी लगा देना चाहिए, और फिर वो पानी रुकना नहीं है, एक्यूमुलेशन स्टेग्नेशन उसमें नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अगर वो नीचे से निकल जाता है तो बढ़िया है। लीव्स को इसकी, जैसे आज हमने इसको हल्के हाथ से, हल्के मुलायम से कपड़े से इसकी इनकी पत्तियों को सफाई किया, इनमें हमने हल्का पानी दिया, इनमें आज हमने फर्टिलाइजेशन किया, तो ये 3-4 चीज काम हमने इसमें आज किए हैं जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम इनको ब्राइट लाइट में रख देंगे, थोड़ा सा हमें बचाना होता है आजकल क्योंकि सर्दियों में पाले वाले की समस्या है, तो हम शेड में इनको रखते हैं। तो जहाँ तक उर्वरक की बात है, तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिए, अगर देना अगर है ज़रूरी है कि आप देना चाहते हैं, तो जो हमारे NPK बैलेंस वाले आते हैं ना, 10-10-10, 15-15-15, उसका स्प्रे नीचे वाली पुरानी पत्तियों पर करिए, ऊपर देने की ज़रूरत नहीं, नीचे पौधे में दीजिए। और नहीं तो मैंने बताया ना कि इसको वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद भिगो कर रख दीजिए और उसको आप दे सकते हो, अन्यथा इसकी मिट्टी में गमले में अगर स्पेस है तो उसमें भी हम वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए इसको जो उर्वरक। तो ये हो गया, तीन चार चीज़ मैंने इसमें बता दी आपके कि इसका प्रोपेगेशन हमें कैसे करना, इसकी सनलाइट इसको कैसी चाहिए, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, और सनलाइट का विशेष रोल है जो कि आपके सामने दोनों पौधों के बीच में दिख रहा है, कि एक जो है हमारा ब्राइट सनलाइट इनडायरेक्ट सनलाइट में था और दूसरा हमारा इंडोर डार्क में रखा हुआ था, वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा लाइट नहीं थी, तो उसका जो पिगमेंट्स हैं वो पौधा अपने को बचाने का प्रयास करता है, उसको बचाने के लिए सारे पिगमेंट्स, उसके ग्रीन पिगमेंट्स जो हैं वो पत्तियों में आ गए, तो वो हम स्वस्थ पौधा नहीं कह सकते हैं। स्वस्थ पौधा जो हमारा ये रखा है, यही है जो थोड़ा रेड कलर के लीफ लिए और एक अच्छा सा रोपर लीव्स का रोसेट बना रहा है, इस तरह का हमारा प्लांट होना चाहिए। तो अगर आप घर में रख रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, उसको धूप चाहिए ही चाहिए, जिससे कि इसको सही कलर, सही शेप, सही फॉर्म में वो पौधा चल सके। तो धन्यवाद साथियों, नमस्कार।